Unites.com, redefining Bollywood. How do you describe like the movie? See, Fir is basically a romantic thriller, and it's a high intensity drama film. And Sia, as Roshni is playing Sia, I'm playing Dr. Kabir, and you know, the whole romantic angle in the film is between the two of us. And कैसे स्टोरी में टर्न आता है, कैसे स्टोरी में यू नो इसकी लाइफ चेंज हो, दोनों की लाइफ चेंज हो जाती है, और अदा आके हेल्प करती है, और फिर इनको सच्चाई पता चलती है, तो पूरी स्टोरी उसके बारे में। फिर मैं सिया का किरदार निभा रही हूँ, जो रजनीश की बीवी है, डॉक्टर कबीर की बीवी है। वो एक प्रोफेसर ऑफ लॉ है, काफ़ी पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है, बाहर पली बड़ी है, तो मॉडर्न आउटलुक है, लेकिन इंडियन वैल्यूज एट हार्ट। आई थिंक क्वाइट क्लोज टू जैसे मैं हूँ रियल लाइफ में, बट क्योंकि ये एक सस्पेंस थ्रिलर है, इसमें कई सारे सिचुएशंस आते हैं, जो सिचुएशंस इन कैरेक्टर्स को फोर्स करते हैं अपने आप में अलग लोग ढूंढने के लिए। और ऐसे ही आप काफ़ी वेरिएशन देखेंगे कबीर और सिया की ज़िंदगी में, कि व्हाट दे गो थ्रू इन लाइफ और किस तरह से वो बदलते हैं। आई थिंक यू नो विक्रम, रजनीश, अदा, दे ऑल वर्क बिफोर टुगेदर। आई वॉज द न्यू कमर, आई वॉज द न्यू एंट्रेंट इन टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल, बट दे ऑल सो वंडरफुल, दे मेड मी फील वेरी वेलकम। हम न्यू कासल में शूट कर रहे थे, जो इंडिया से बहुत दूर है, एंड इट वॉज वेरी कोल्ड देयर, बट द वाइब्स ऑन द सेट वर वेरी वार्म, वेरी प्रोफेशनल। एंड क्योंकि ये एक यंग और मोटिवेटेड कास्टिंग क्रू था, एवरीबडी वॉज हेल्पिंग एवरीबडी एल्स, यू नो, जैसे कट होता था तो सब अपने वैन में नहीं जाते थे, हम लोग एक साथ बैठ के डिस्कस करते थे हाउ वी कैन मेक द सीन बेटर, एंड आई थिंक दैट ट्रांसलेट्स इन द स्टोरी। सो आई एम हैप्पी दैट दिस वॉज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, जहाँ मुझे इतना वार्म एनवायरनमेंट मिला टू डू माई बेस्ट। आई थिंक फिर में द स्टोरी इज द हीरो, फिर की कहानी अनोखी कहानी है, फास्ट पेस्ड कहानी है, और आपको गेस कराती रहेगी कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। और कोई भी कहानी जिसमें आपको लगता है कि आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हो रहा है, आई थिंक दैट स्टोरी हैज़ यू होप्ड। तो नरेशन में जब मुझे कहानी बताई गई, मेरा रिस्पांस यही था, एंड आई थिंक अगर हम ऑडियंसेस से यही रिस्पांस पाते हैं, तो वी वुड हैव अकम्प्लिश्ड अ गोल। तो फिर इसलिए देखिए, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग, इट्स अ गुड सस्पेंस थ्रिलर। Thank you for watching. Click on the subscribe button and stay tuned.